नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा के दो सीटों पर उपचुनाव है। बिहार में सियासी हलचल इसको लेकर काफी तेज है, सियासत भी गरमाई हुई है। इस बीच बेसब्री से आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का इंतजार कर रहे हैं। 20 अक्टूबर को लालू प्रसाद यादव पटना आएंगे, बिहार में चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आरजेडी कैंडिडेट को जिताने के लिए लालू कुशेश्वर स्थान और तारापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन इस बीच लालू प्रसाद यादव के पटना आने से पहले ही कहा जा रहा है कि महागठबंधन में टूट हो गई है। महागठबंधन टूट कर बिखर गया है, क्योंकि आरजेडी कैंडिडेट के खिलाफ कांग्रेस ने दोनों सीटों पर अपने कैंडिडेट को उतारा है। लिहाजा लालू प्रसाद यादव दिल्ली में तो हैं, लेकिन बिहार में सियासत इसको लेकर गरमाई हुई। और कहा यह जा रहा है कि लालू यादव जब पटना पहुंचेंगे तो पूरी तरीके से सब सेटल हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिलहाल महागठबंधन में ऑल इज वेल नहीं है। आरजेडी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, तो कांग्रेस भी जल्द ही जारी करेगी। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में कन्हैया कुमार का भी नाम शामिल हो सकता है। हम बात उस लालू प्रसाद यादव की करेंगे जो दिल्ली में बैठे रणनीति बना रहे हैं, जो बिहार की सियासत के नब्ज को अच्छे से पकड़ना जानते हैं, जो बिहार के जनता के दिलों पर राज करना जानते हैं। लालू प्रसाद यादव फिलहाल दिल्ली में हैं और दिल्ली में उनकी मुलाकात अब हो गई है राहुल गांधी से। जी हाँ, राहुल गांधी से, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी से मुलाकात चिराग पासवान के आवास पर हुई है, जहां कल लालू प्रसाद यादव भी गए थे और राहुल गांधी भी गए थे। स्वर्गीय रामविलास पासवान के पहले पुण्यतिथि का मौका था, लेकिन लालू और राहुल गांधी के बीच गुप्तगू होते दिखी। जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तस्वीरें चिराग पासवान के आवास की है, लेकिन लंबे समय बाद लालू प्रसाद यादव से मुलाकात राहुल गांधी कर रहे हैं। बिहार में जो विपक्षी हैं महागठबंधन के, वो कह रहे हैं कि महागठबंधन तो अब टूट गया है, बिखर गया है, टूट कर चकनाचूर हो गया है। लेकिन ये तस्वीरें बता रही है कि आज भी लालू अब उस मुस्तैदी के साथ महागठबंधन को पुनः ठीक करने में जुट गए हैं, एकजुट करने में जुट गए हैं। जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के चुनावी मैदान में महागठबंधन के महारथी दिखे थे, लालू यादव की मुलाकात राहुल गांधी से हुई। और ये मुलाकात कई मायलों में अहम भी है। हालांकि ये मुलाकात एक कार्यक्रम के दौरान हुई है, लेकिन कुशल क्षेम पूछने के साथ साथ ही लालू यादव ने बैठे बैठे कुछ रणनीति भी बनाई है, किस तरीके से बीजेपी के खिलाफ तमाम पार्टियों को एकजुट करना है। लालू प्रसाद यादव इसको लेकर रणनीति बना रहे हैं, और मास्टर प्लान के तहत लालू एक नया गेम कार्ड खेलेंगे। लालू के साथ कई विपक्षी नेता होंगे, देश भर के विपक्षी ताकतों को एकजुट करने में लालू प्रसाद यादव जुटे हैं। लेकिन इस बीच आज एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव के सामने हाथ जोड़े ये तस्वीर राजनाथ सिंह की है। देश के केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, और जब ये तस्वीर निकलकर सामने आई है तो बता रहा है तस्वीर, सब कुछ बयां कर रहा है तस्वीर, कि लालू अब अपने अंदाज में लौट गए हैं। जल्द ही बिहार आएंगे और बिहार के चुनावी मैदान में गरजेंगे। और दिल्ली में लालू ने जो दावा किया है कि बिहार के दोनों सीटें आरजेडी जीतेगी, इस दावों में अपनी दम भरेंगे। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।